खुशी उन्ती केंद्र द्वारा आज गांव मंडेबर में रहने वाली रुपिंदर कौर जी को हरियाणा महिला विंग का बनाया गया महासचिव। खुशी उन्ती केंद्र संस्था द्वारा गांव मंडेबर में रहने वाली रुपिंदर कौर जी को हरियाणा महिला विंग का महासचिव बनाया गया। रुपिंदर कौर जी किसान यूनियन में महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष भी है। संस्था की हरियाणा महिला विंग की अध्यक्ष हरविंदर कौर जी ने रुपिंदर कौर जी को इस प्रोग्राम में आकर शुभकामनाएं दी। रुपिंदर कौर जी ने कहा कि वो अपने तन मन धन से संस्था के कार्यों में आगे बढ़ने का काम करेंगी। खुशी उन्ती केंद्र संस्था गरीब बच्चों को भीख मांगने से हटाकर उन्हें पढ़ाई में जोड़ने का काम करती है। इसके साथ ही सरकारी स्कूलों की बेहतरी पर भी काम करती है। इस मौके पर सरिता मित्तल, मानसी शर्मा, नूर, अभिषेक, गुरकीरत पारस त्यागी, कशिश, लखविंदर सिंह, राहुल शर्मा मौजूद रहे। अब देखिए, आपको पता है खुशी उन्ती केंद्र जो है गरीब बच्चों पे, जो स्लम के बच्चे हैं उनको एजुकेशन से जोड़ने का काम करता है और जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनको अपलिफ्ट करने का काम करता है। तो आज हमारे खुशी उन्ती केंद्र के यू के एन जो परिवार ने इसी पर्पस को आगे बढ़ाने के लिए रुपिंदर मैम, जो किसान यूनियन में भी जिला प्रधान है महिला विंग के, आज हमारे साथ हमारे परिवार में जुड़ रहे हैं और इन्हीं बच्चों के ऊपर जो हमारे देश के रूट्स हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं देश का रूट्स हैं, इन्हीं को ही आगे पेड़ बनना है। इन बच्चों को बचाने का, इन बच्चों को एजुकेशन से जोड़ने का काम हम लोग मिलकर करेंगे और इसी पर्पज़ के लिए मैम आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं सबसे पहले आभारी हूँ गौरव जी का कि उन्होंने मुझे एनजीओ में जोड़ा और मुझे सेवा करने का मौका दिया। तो मैं जैसे पहले से ही किसान यूनियन में जुड़ी हुई हूँ, वहाँ की वुमेन सेल की प्रधान हूँ। तो मैं चाहती थी कि गांव-गांव में ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे पढ़ने की तरफ से ध्यान हटा रहे हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम आ रही है गांव में थोड़ी सी ज़्यादा कि बच्चे पढ़ने की तरफ ध्यान कम देते हैं और बुरी आदतों में ज़्यादा जा रहे हैं, तो उन पे काम करने के लिए जो है मैं इस एनजीओ से जुड़ी हूँ, क्योंकि एनजीओ पहले से ही बच्चों पर, बच्चों की एजुकेशन पर बहुत काम कर रहा है। तो मैं इस कारण से चाहूँगी कि मैं गांव से बच्चे जो हैं, एक क्रीम जो है बच्चों की, वो बाहर निकल के आए ताकि हिंदुस्तान में जो है पढ़ाई का लेवल अच्छा हो जाए और बच्चों का स्किल पावर बाहर निकल के आए। स्किल पावर निकालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कोई बच्चा स्टडी में नहीं पूरा उतर पा रहा, लेकिन उसके स्किल्स हैं, तो वो कौन से उसके स्किल्स हैं? हो सकता है क्योंकि वो बच्चा ऐसा हो जो फर्नीचर्स इतना अच्छा बनाता हो, उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो फर्नीचर्स बना सकता है, कारपेंटर के कोर्स, इस तरह के स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज जो हैं वो बच्चों को हम करवा सकें, गांव-गांव से बच्चों को बाहर निकाल सकें। उस काम को, उस सेवा को करने के लिए मैं इस एनजीओ से जुड़ी। मैम, जिस तरह आप बता रहे हैं कि बच्चों को आप एजुकेशन देंगे, उनके लिए आपके पास टीचर्स भी हैं? टीचर्स, वॉलंटियर्स, टीचर्स आएंगे हमारे पास, कुछ हैं भी, कुछ और भी आएंगे, कुछ हम खुद भी कोशिश करेंगे कि अगर जितना हम कर सकते हैं वो करें, कुछ हम जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज हैं उन लोगों से जुड़ेंगे ताकि वो स्किल डेवलपमेंट जो है बच्चों की करवा सकें। सरकार का भी सहयोग मांग रहे हैं? सरकार का जी सहयोग अगर देती है सहयोग, तो हम ज़रूर उनसे लेंगे सहयोग, क्योंकि सरकार के बिना चलना जो है मुश्किल होता है। ये जो मुझे अभी स्टेट की जिम्मेवारी सौंपी गई है खुशी उन्ती केंद्र के फाउंडर गौरव जी के द्वारा, तो मैं इसको बहुत बड़ी जिम्मेवारी मानती हूँ और उस जिम्मेवारी के तहत पहले तो मुझे अपने ट्विन सिटीज़ हैं उसमें बच्चों का जो स्तर जो ये कर ही रहे हैं, अपने तौर पे भी काम कर रहे हैं, और मैं आप खुद भी उसमें और भी जोश से कार्य करना चाहती हूँ और इस दायरे को अपने चारों तरफ छोटे छोटे गांव, बड़े गांव तक भी लेकर जाना चाहती हूँ।